हाय दोस्तों, वेलकम आपको मेरे चैनल पे। एक वो शेयर है जिसके बारे में अपडेट दे देता हूँ आपको। कुछ पूछे जा रहे थे तो इसके लिए बता देता हूँ आपको, जिसमें एक भारतीय एयरटेल है, प्राज इंडस्ट्री है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है। तो इस पर एक छोटा सा एक आपको अपडेट दे देता हूँ, छोटा सा, आपको बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और आप तो आपके लिए भी अच्छा है। भारतीय एयरटेल में देखेंगे आप, ये भारतीय एयरटेल का सिर्फ चार्ट पे आपको बताता हूँ। भारतीय एयरटेल पर देखेंगे आप तो आज इसकी क्लोजिंग 337 रुपये पे हुई है, और ये जो है अभी इसने 21 दिन के मूविंग को क्रॉस किया है, तो एक पॉजिटिव चार्ट है। और नीचे से फॉल किया हुआ तर कंटिन्यू अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है इसमें, ये वीकली ट्रेंड है। तो हो सकता है एक बार आपको ये 355 की ओर जाते हुए दिखाई देगा, आपको 355 की ओर जाते भारतीय एयरटेल में आपको दिखाई दिया जा सकता है, दे सकता है, एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और अगर मैं इसके डेरिवेटिव में भी जाकर के देख लूँ तो ये भारतीय एयरटेल का 338 का है, 15 जनवरी का स्टेटस है, तो 350 के आसपास आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल एडिशन हो रहा है, 1,02,000 का कॉल ऐड हो रहा है, 5,32,000 का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, और 5 रुपये 20 पैसे पर आपको मिल रहा है, आज पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो आपको 330 के ऊपर आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो 338 चल रहा है, तो इस पर यहाँ पे कॉल राइटिंग चालू हो गया है 330 का। तो मेरे अंदाज से अभी ये अच्छा खासा सपोर्ट है इसको 320-330 पे, और ये 350 के लिए ट्रेवल कर सकता है। ये प्राज इंडस्ट्री है जो इथेनॉल के चलते बहुत हवे में रहा, और ये कंटिन्यू देखेंगे एक ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ से कहाँ से, अब ये देखिए इस लेवल 113 से कंटिन्यू हाई बनाते 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 हाई इसने कहाँ 100, अब देखेंगे तो यहाँ पे 164.80 रुपये का बना दिया। लेकिन अब क्या हुआ, आज हुआ इसमें इनडिसिजिव कैंडल बना है, और इनडिसिजिव कैंडल जो है वो लोअर साइड में बन रहा है, तो हो सकता है कि अब आपको जो है इसमें एक फॉल की संभावना है, जो गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और अगर मैं इसके आवरली कैंडल को देखूं तो एक ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रेसिस्टेंस आ रहा है, इसको 160 के आसपास इसको अच्छा खासा रेसिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। तो प्राज इंडस्ट्री में अगर आपको कोई भी हो पोजिशन हो तो एटलीस्ट आपको 150 का स्टॉप लॉस, 148 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको इसमें काम करना चाहिए। ऑलरेडी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है, अभी आज की जो क्लोजिंग दिया इसने 154 पे दिया है, तो आप हो सकता है आप इसको 148 का स्टॉप लॉस लगा करके काम करें। अगर 148 तोड़ता है तो आपको एक बार ये एग्जिट करना चाहिए, और आपको यहाँ पे 140, क्योंकि ये नीचे की ओर, ये इंडिसिसिव कैंडल है, डोजी कैंडल है, नीचे की ओर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको जैसा अवर्ली मैं दिखाया आपको कि बार बार ये जो जा रहा था लोअर की ओर ज़्यादा पैटर्न आपको दिख रहा है, लोअर की ओर ज़्यादा ये अपने आपको जाने को तैयार है, तो इस केस में आप, ऐसे केस में आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 15 तारीख का एक देखिए यहाँ से एक लो भी यहाँ पे बनाया, फिर ये अप लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ये लिया, और लास्ट में आप देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे लास्ट टर्म मोमेंट में एक बेरिश टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है, ये कंटिन्यू बेरिश टाइप का पैटर्न बना रहा है, और पूरे डे के बेसिस पे देते हो एक अच्छा खासा ब्रिज पैटर्न है। तो 148 के सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं, देख रख सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से जो भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, और कोई भी इसमें रीजन नहीं है किसी को ये चाहिए। मैं आपको टाटा स्टील और टाटा मोटर बोला लॉन्ग टर्म पोजिशन से अच्छा दिख रहा है ये, लेकिन टाटा स्टील में अगर 465 तोड़ता है, 460 तोड़ता है, जो कि लगता है कि तोड़ सकता है, क्योंकि इसने इस ये जो सपोर्ट था 503 का इसको तो तोड़ा ही था, अभी 475 के सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ 475 की क्लोजिंग दिया है। अगर ये 475 की क्लोजिंग किसी भी तरह से, अगर ये सपोर्ट जो है इसका 400, एक सपोर्ट है यहाँ पे इसका 460 का, 460 का अगर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर आपको हो सकता है कि एक बार इसमें अच्छा खासा 410-420 तक लेवल। लेकिन जो है कि ये पैटर्न बना रहा है उसके अनुसार लग रहा है कि वीकनेस अभी ये स्टॉप नहीं हुआ, ये अभी फॉल करने के पैटर्न में है और फॉल कर सकता है। ये जो अभी आपको दिख रहा है थोड़ा सा उठता हुआ दिख रहा है, थोड़ा रेसिस्ट करता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली ये पोजीशन नहीं है। अगर ये मंथली पैटर्न पे देखेंगे तो मंथली पैटर्न पे देखिए एक सॉलिड इसमें बेरिश पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये पैटर्न जो है ये आपको देखने को मिले, और हो सकता है कि ये आपको एक बार 439 के लो को भी टच करके दिखाए तो कोई बड़ी बात नहीं, तो 439 के लो को टच कर सकता है। और अगर ये 500 क्रॉस करता है तभी इसमें बाइंग पोजीशन अभी बनेगी, 500 के पहले इस पर कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए आपको, 500 के ऊपर ही आपको बाइंग पोजीशन इसमें देखनी चाहिए।
तो अभी ये थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। और टाटा स्टील को अगर जाकर के हम टाटा स्टील को अगर डेरिवेटिव पोजीशन पर भी जाकर के देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे 470 और 480 पे शॉर्टिंग हो रहा है। आज का जो 474 है और आज 15 तारीख है, ये पुट साइड है, तो 474 देखेंगे तो एट द मनी 470 देखेंगे तो 470 पे 1,71,000 का एडिशन हो रहा है, मैंने इसको शॉर्ट किया जा रहा है पुट की ओर, तो ऊपर में जाने की चांसेस इसको लग रहा है कि अभी बता रहे हैं। लेकिन कहाँ तक जा सकता है तो इसको 500 पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, 33 लाख का है, और 520 पे 25 लाख का, तो ये एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर देखें तो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 6 लाख पुट की ओर, इतना ही ज़्यादा इसको यहाँ पे सपोर्ट है। तो सपोर्ट नीचे की ओर ओपन है, डोर है, नीचे जाएगा तो आराम से फिसल जाएगा, तो नीचे की ओर ओपन है, जबकि इसमें पुट में शॉर्टिंग हो रहा है तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रांग जाने के लिए उतना इसके पास अभी दम नहीं है। अब मेटल सेक्टर थोड़ा चाइना और यूएस का जो जो भी चल रहा है, और ब्रेक्जिट का जो कल का मार्केट ब्रेक्जिट के रिजल्ट पे निर्भर रहेगा बोटिंग साइड पे, तो कल के मार्केट के लिए कोई प्रोडिक्शन नहीं, कल का मार्केट कोई भी साइड कहीं पे भी कुछ भी दिखा सकता है, कल का मार्केट नहीं है। बट आप इसको एक थोड़ा सा टाटा स्टील पे कॉशियस पोजिशन बनाइए। मैं आप अभी यहाँ पे पुट पे राइटिंग चालू हो गई है, तो कॉल पे आप सोच रहे हैं नहीं, तो मेरे अंदाज से अभी ये 439 का लो आपको दिखाना बाकी है, हो सकता है 439 का लो भी आपको दिखाए, तो टाटा स्टील में थोड़ा कोशिश सर 500 क्रॉस करता था बाइंग पोजीशन, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है ये, लॉन्ग टर्म में आप बना सकते हैं। टाटा मोटर्स में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पैटर्न बना है, और आप देखेंगे तो यह मंथली पैटर्न में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनडिसिसिव कैंडल बना, उसके बाद ये यहाँ से भागना चालू हुआ, तो ये लास्ट में नहीं क्लियर हो गया था कि ये भागेगा, और यहाँ पे देखे तो 187 का हाई भी बना चुका है ये, तो ये अभी हो सकता है आपको इस यहाँ पे तो कोई वो इश्यू नहीं कि 200 को क्रॉस भी करने की कोशिश करेगा, और 210 215 भी दिखाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह इंडिसिजिव कैंडल है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ऐसा भी नहीं कि ये भाग जाएगा अभी, तो इंडिसिजिव कैंडल ऑलरेडी अपसाइड चल रहा है, ये ऑलरेडी इसके अप पे ही काम कर रहा है ये, तो अभी भी एक बुलिश पैटर्न तो इसमें है टाटा मोटर्स में। और टाटा मोटर्स के अगर इसमें डेरिवेटिव पोजीशन पे भी जाए तो 200, 220, 205 तक तो इसमें पोजीशन बना रहा है, 200 पे भी एडिशन हो रहा है, 205 पे भी एडिशन हो रहा है, 215 पे भी हो रहा है, 220 पे भी हो रहा है, और सबसे ज़्यादा 210 पे है जहाँ जन वाइंडिंग देखने को मिला। तो टाटा मोटर्स देखेंगे 184, 185, 15 जनवरी, ये पुट है, ये कॉल है, एट द मनी जा करके देखिए 185 पे तो क्या हो रहा है, 185 के पुट पे राइटिंग हो रहा है, 190 पे भी राइटिंग हो रहा है, मतलब ये 185, 190 के ऊपर की ओर जाएगा। आप देखेंगे तो 185 में एडिशन हो रहा है 1,84,000 का, और कॉल में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, अगर शॉर्ट किया था तो इसको शॉर्ट कवर किया जा रहा है 190 पे, और 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, तो 190 क्रॉस करना ही थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, 184, 190, 195, तो ये रेंज बाउंड 175 से 200 के रेंज में अभी ये चला गया है, और येस बैंक का ऑलरेडी वीडियो दे दिया आपको, येस बैंक ने रेंज तोड़ दिया है और वो 200 का, तो 220, 245 के टारगेट के लिए आप जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं, नया वीडियो अभी दिया है। तो ये टाटा मोटर्स और टाटा स्टील पे भी, तो टाटा मोटर्स एक अच्छा पोजिशनल लॉन्ग टर्म होल्डिंग पोजिशन बन चुका है, ये हो सकता है एक बार आपको जितना नीचे दिखाना हो दिखाने दीजिए, 150 दिखाए चाहे कोई भी दिखाए, ये सेंटिमेंट फॉल होगा खाली और कुछ नहीं होगा, ये प्राइस फॉल अभी इस पर जो है थम गया है। अब ये टाइम पैटर्न पे भी फॉल कितना दिन इसको स्टे कराता है टाटा मोटर्स पे, अब वो खाली एक कंसर्न रहेगा और कोई कंसर्न नहीं है, मतलब अभी इसमें बाई, अब देखिए यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल के बाद यहाँ बाई पोजिशन बन गया है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू रहेगा ये महीने भी और अगले महीने भी, नेक्स्ट महीने भी इसका कंटिन्यूटी में रहेगा ये, तो अभी इसको हो सकता है कि आपको ये एक और अगले महीने भी यहाँ पॉजिटिव ट्रेंड देखते हुए 210, 220 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। तो नीचे 175, 80 पे बाय करें, 220 के लिए टारगेट करें, लेकिन कोई ये अभी भागने को तैयार नहीं है जब तक कि अच्छा खासा जगवार का ब्रेग्जिट का अगर कोई अच्छा रिजल्ट आ गया और अच्छी पोजीशन आ गई ब्रेग्जिट में, इसको टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंसी है, तो ये भाग भी सकता है अगर ब्रेग्जिट का पॉजिटिव न्यूज़ रहा, टैक्सेस वगैरह उसके वहाँ पे जो है उसका कोई फायदा देखने को मिला टाटा मोटर्स में, तो ये 220, 225 आपको सून दिखा सकता है, और नहीं रहा तो थोड़ा सा कल आपको फॉल भी दिखा सकता है। डेली पैटर्न पर देखें तो डेली चार्ट पे देखें तो ये थोड़ा सा डेली चार्ट पे यहाँ आप लेने के बाद यहाँ पे एक रेसिस्ट कर रहा है ये, और यहाँ पे 185, 186 यहाँ पे जाता है, ये जो है बनाता है 187, 188 के बाद जा करके नीचे की ओर चला जाता है, और एक बार ये कल आपको तो 198 तक जा करके एक सिंगल स्टिक जा करके फिर नीचे की ओर आ गया है। और अगर इसको आवरली पैटर्न पे देखें तो आवरली पैटर्न पे थोड़ा यहाँ पे आप देखेंगे आवरली पैटर्न पे जाके देखेंगे इसको, तो एक मिनट
आप यहाँ पे देखेंगे ये कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट है, यहाँ से अप गया, इंडिसिसिव कैंडल बना, फिर अप लिया। तो मोस्ट श्योरली कल भी हो सकता है कि आपको चार्ट पे जो दिख रहा है इंडिसिसिव पैटर्न के कारण, हो सकता है कि टाटा मोटर्स में भी थोड़ी कल भी आपको गेन हो सकता है दिखा देख देख सकते हैं आप। तो टाटा मोटर्स अभी एक दो महीने के लिए पॉजिटिव, मंथली बता रहा हूँ आपको, पॉजिटिव व्यू दिख रहा है, पॉजिटिव रह सकता है। तो टाटा मोटर्स पे भी बाइंग है, यस बैंक पे भी बाइंग है, प्राज पे कॉशियस है, प्राज पे आप कॉशियस रखिए, भारतीय एयरटेल पे बाइंग है, टाटा स्टील पे कॉशियस है। तो ये सब पोजिशन आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सारे एजुकेशनल पर्पज से थे, कोई भी मार्केट में पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। हम यहाँ पे आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन लेने की एडवाइस नहीं देते हैं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, क्या होगा, क्या चलेगा, कैसे चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सिर्फ बताने के लिए आपको यहाँ पे लेके आया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।